उत्पादी, इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? एक लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के, एक लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा कि भाई गांधी को जिसे बाप मानना है माने, लेकिन हम हिंदू, हम जागरूक हिंदू गांधी को कभी भी अपना बाप नहीं मान सकते। देश का बाप मानना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, यानी कि आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से आप ये आग्रह करेंगे कि जो राष्ट्रपिता की उनको उपाधि दे रखी है या कहा जाता किसने है, किसी ने नहीं दे रखी जाए, वो किसी ने नहीं दे रखी, किसी कोई संविधान का पद थोड़ी है राष्ट्रपिता, संविधान थोड़ी किसी को राष्ट्रपिता बना सकता है। ये तो कुछ पाखंडियों ने, कुछ उसके चमचों ने, कुछ उसके दलालों ने। तो सुना आपने, जानते हैं कौन है, कौन है ये जनाब? वैसे तो इन दिनों इनके चाहने वालों की कमी नहीं, मगर जो नहीं जानते वो भी जान ले। ये है गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पुजारी यति नरसिंहानंद। वो यति जो अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए पूरे देश में विख्यात हैं, मगर इस बार तो यति ने सारी की सारी मर्यादाओं को तार प्रतार कर दिया, क्योंकि यति ने इस बार तो महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी कर दी। अपने विवादित बयान में यति ने महात्मा गांधी को हिंदुओं की मौत का जिम्मेदार बताया। और यति यही नहीं रुके, वो तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ना कहा जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। यकीन नहीं होता तो ध्यान से सुनिए, फिर बताएंगे आपको कि इस बयान के बाद क्या हुआ, मगर पहले ये बयान सुनिए। चलाने वाले हैं, ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है, और आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल में जा रहे हैं। तो हम एक अभियान चलाने वाले हैं पूरे देश में, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के सुप्रीम कोर्ट में ये बात दायर करने वाले हैं कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने, हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे और ना ही मानते हैं। तो उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दे रखी है? राष्ट्रपिता कैसे हो गया? ये राष्ट्र जो लाखों साल पुराना राष्ट्र है, एक अभी थोड़े दिन पहले जन्मा हुआ आदमी इसका पिता कैसे हो गया? आप उसे राष्ट्रपुत्र बताओ, राष्ट्रभाई बताओ, उसे राष्ट्रभक्त बताओ, राष्ट्र का सपूत बताओ तो चलता है भाई। चलो किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन पिता कैसे हो गया वो भारत राष्ट्र का? हम शिव को मानने वाले, हम शक्ति को मानने वाले, हम राम के अनुयायी, हम कृष्ण के अनुयायी, हम आचार्य चाणक्य के अनुयायी, बाबा परशुराम के अनुयायी, कैसे मान लेंगे उसे अपना बाप? तो उसको तो शुरू से ही महात्मा गांधी, शुरू से कब से, जब से कांग्रेस का राज है तब से कही गई है। ये कांग्रेसियों का पाखंड है। कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई एक संस्था थी, जिसने देश को आजाद नहीं होने दिया, उस संस्था का पाखंड है। हम पे क्यों थोप रहे हो भाई, हम पे क्यों थोप रहे हो, हमारी क्या गलती है? कहते हैं कि आजादी गांधी जी की वजह से हमें मिली है। बहुत बढ़िया। और जो लोग फांसी पे चढ़ गए, गांधी तो औरतों के साथ सोता रहा, उसकी अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजों के साथ बैडमिंटन खेलता रहा, उसने तो आजादी दिलवा दी। और जो लोग फांसी पर चढ़ गए थे वो क्या थे? जो लोग जेल में गए वो क्या थे? जिन्होंने यातनाएं सही वो क्या थे? जो काले पानी में कोलू पेल रहे थे वो क्या थे? गांधी अंग्रेजों का दलाल, मुसलमानों का दलाल, उसने आजादी दिलवा दी। इसकी भूमिका की तो जांच होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि गांधी जी के खिलाफ अभियान चलाएं, किस तरह का अभियान होगा? 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के, 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा के मैं सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करूंगा। जी, वायरल वीडियो में यति कह रहे हैं ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का राज करवा गया, इसी आदमी के कारण 100 करोड़ हिंदुओं की कम्युनिटी के पास 1 इंच अपना देश कहने की जमीन नहीं है, आज भी इसके कारण हमारे संत महात्मा जेल जा रहे हैं, हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं देश में, 1 लाख करोड़ के हस्ताक्षर करवा कर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करने जा रहे हैं कि जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो माने, हम पर इसे जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, हम इसे अपना बाप नहीं मानेंगे किसी कीमत पर। वैसे यति की ये विवादित टिप्पणी 13 जुलाई की है। अब इस मामले में गुरुवार यानी कि 15 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। FIR में कहा गया है कि धार्मिक नेता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कई भड़काऊ और विवादित बातें कही हैं, जिससे समाज की शांति और कानून व्यवस्था भंग हो सकती है। वैसे ये पहला मामला नहीं है
जब यति ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया हो। पहले भी यति के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 2022 में यति को मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। तब यति ने हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसके साथ ही यति ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान का भी जमकर समर्थन किया था। नुपुर के बयान का समर्थन करने पर पुलिस ने यति को नजरबंद तक कर दिया था, मगर यति हैं कि मानते ही नहीं। मगर इस बार तो महात्मा गांधी पर दिए विवादित बयान ने उन्हें फिर विवादों का यति बना दिया, यानी यति की अति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।